कुछ महीनों पहले गाइस, मैं बहुत ही गरीब था। मेरे पास कुछ भी सामान नहीं था, ये आप देख सकते हैं। मेरे पास एक छोटा सा खाने के लिए सामान था, मेरे पास इतना भी सामान नहीं था। मैं लकड़ी का सामान यूज़ करता था, तलवार भी आधी टूटी हुई यूज़ करता था। रोटन फ्लेश खा खा के मुझे अपनी ज़िंदगी बितानी पड़ती थी, और मेरे पास खुद का घर भी नहीं था, तो इसीलिए मुझे ज़मीन के अंदर रहना पड़ता था। मुझे विलेजर के बेड चुरा के उसमें सोना पड़ता था। मेरे पास कुछ भी सामान नहीं था और रोटन फ्लेश खा खा के मैं अपनी ज़िंदगी बिता रहा था। लेकिन बाद में मैंने स्टार्ट किया सर्वाइवल वर्ल्ड, और मैंने की मेहनत। और गाइस, अब मेरे पास आ चुका है एक अच्छा सा आर्मर, मेरे पास हथियार। ए, मुंह में कहाँ घुस गया। अरे, अच्छे से मेरे पास आर्मर आ चुका है आयरन का, तुम लोग देखते रह जाओगे। ये देखो आयरन, हा। मेरे पास एक एक्स भी आ चुकी है, आप लोग इससे क्या करना है। रोटन फ्लैश, लेकिन मैं बाद में दिखाऊंगा आपको। गाइस, बेसिकली आज के दिन मैं आपको बताने वाला हूँ हमारे वर्ल्ड में हमने क्या क्या चेंजेस किए। पिछली बार जब आपने देखा था तब मैं बहुत ही गरीब था, मैं ये वाले घर में रहता था, और ये देखिए ये चेस्ट है। लेकिन फिर हमने धीरे धीरे बेड बनाए, ये वर्ल्ड हमने कन्वर्ट कर दिया मल्टीप्लेयर में, और हमारे पास बहुत ही सारा सामान आ चुका है। तो बूम गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे ये फार्मिंग हमने की है यहाँ पे, वो तो पहले भी थी लेकिन अभी मैंने और बढ़ा दी फार्मिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने हमने नेदर पोर्टल भी बना दिया है, और यहाँ से 12th कोर तक जाने वाली माइन भी हमने बना दी है। और गाइस, अभी मेरे पास, हम सबके पास बहुत ही ज़्यादा डायमंड है। देख, मैं देख, डायमंड है, देख मैं दिखा देता हूँ। प्रियन तो अभी यहाँ पे बाहर ही रह रहा है खुली हवा में, मस्त मस्त। यहाँ पे देख सकते हैं उसके पास इतना सामान है, और डायमंड्स उसके पास 21 डायमंड है, 50, ये सब है। मैं, हम सब ये SMP जैसे खेल रहे, SMP क्या बोलते हैं उसका। फिर ये उसका फार्म है, और हम एक गोलेम। यह पानी में क्या कर रहा है, बाहर निकल, ए ठंड लग जाएगी तेरे को, ए बाहर निकल। ओ मैं, ए देख कोई भी जोम्बी आया ना तो ऐसे उधार के मार देने का, क्या ऐसे ठेकड़ा मार के। हाँ गाइज, और मैं आपको दिखाता हूँ, हमने ये जो घर है वो कंप्लीट करके थोड़ा बहुत अपग्रेड भी कर दिया है, ये देख सकते हैं आप। और अंदर जाते ही, ओ माय गॉड, वाओ, ये देख सकते। और हमारा प्यारा सा एंचेंटिंग टेबल रूम, ये देख सकते हैं, ये अभी तक पूरा हुआ नहीं है, ये अभी थोड़ा बाकी है। और देख सकते हैं ये चोपड़े खुल गए, इसको पढ़ता बढ़ता कोई नहीं है, इसमें डायमंड लगा के मैंने ही खर्चा वर्चा किया है। ये बुक में वगैरह टाइटन ने और पल ने हमें दोनों दी थी, और हमारा पल बहुत ही कॉमेडी करता है ये। नहीं ये चेस्ट तो खाली है, हमने यहाँ पे एनविल भी बना लिए। और गाइस, अभी मैं आपको जो चीज़ दिखाऊंगा वो देख के आप पागल हो जाओगे। अरे ये नहीं, ये नहीं, ये देखो, वाव, पूरा हमारे पास रेडस्टोन पड़ा है, 6 डायमंड है हमारे पास, आयरन। अभी आप सोच रहे होगे ये आर्मर कैसे मैंने बनाया, मेरे पास इतने डायमंड थे कि मैंने पूरा आर्मर ही बना लिया। मेरे पास पूरे करीब 32 डायमंड थे जिससे कि मैंने आर्मर पूरा बना लिया। और ये देख सकते अबे साले, तुम लोग क्या आयरन के यूज करते हो क्या, आयरन की चीज है। मैं देखो पूरा डायमंड का यूज करता हूँ, ये मेरे पास पूरा डायमंड का आर्मर है क्या। और ये देख सकते हैं गाइस, मैंने इसमें स्मिथ 4 एंड फायर एक्सपेक्ट 1 डाल दिया है। ये देखो डिचिक डिचिक पूरा डायमंड का क्या मजा ही आ गया। ये देखो पिकेक्स में अनब्रेकिंग 1, ये। और अभी मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये देखो मैंने आयरन के स्वॉर्ड में भी डाल दिया है लूटिंग 1, वाव, वेरी अमेजिंग। और गाइस, अभी मैं पीरो बन गया, एकदम पीरो नहीं प्रो बोलूँगा, पीरो तो हमारा एक पहले से ही प्लेयर है, वो आएगा तो हम उसको दिखाएंगे। ये बेसिकली मुझे ना मल्टीप्लेयर में जब हम खेलते हैं ना तो वॉइस रिकॉर्डिंग में दिक्कत होती है, तो इसीलिए मैं ना इसमें रिकॉर्ड कर देता हूँ, ठीक है। बेसिकली गाइस, मैं जब फिशिंग कर रहा था सिंपल फिशिंग रॉड से, तो ये देखिए हमने बहुत ही ज़्यादा माइनिंग करी। ये आप सोच रहे होंगे मैंने क्रिएटिव में से लिया, लेकिन नहीं यार, आयरन मतलब देखो रेडस्टोन को तो एक ब्लॉक तोड़ते ही हमें 10-12 रेडस्टोन मिल जाते, तो वो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी ये चेस्ट में दिखाता हूँ, इसमें कचरा पड़ा है, इसमें भी कुछ कचरा नहीं, इसमें बहुत सारे काम किए। देखो फिशिंग करते करते मुझे शेडल मिल गई है,
और इसमें बहुत ही सारा सामान है। एमरेल्ड तो एक ही है, 19 स्लाइम मैंने मारी थी, ये कोल वगैरह फ्लिंट है, और ये दो गोल्डन ब्लॉक जो है वो हमें नेदर वो टूटा हुआ था उसमें से मिला था। ये देख सकते हैं गाइस हमारे पास बहुत ही ज़्यादा फिशेस है, ये तो पहले सो जाते हैं। तो गुड मॉर्निंग, सुबह हो चुकी है, अभी सूरज उग रहा है, मतलब ग्रो हो रहा है, ग्रो नहीं बोलते, मजाक कर रहा हूँ। अभी इसमें से मेरा मेंडिंग वाला फिशिंग रोड भी था जिसमें मेंडिंग और अनब्रेकिंग वन मैंने डाला था। मेंडिंग तो मुझे पहले से ही मिला था लेकिन फिर मैंने वो डाला था, क्या बोलते हैं ये कहाँ से, ये तो सिंपल वाला फिशिंग रोड है। अरे यार मेरा मेंडिंग वाला कहाँ पे गया, एंचेंटेड फिशिंग रोड, मेरा किसी ने ले लिया फिशिंग रोड। गाइज आपको क्या लगता है मेरा फिशिंग रोड कहाँ पे गया होगा, किसने लिया होगा, बताओ यार किसने लिया होगा फिशिंग रोड, क्या आपको पता है? अगर पता है तो कमेंट करो। हमारे सर्वे वर्ल्ड में सिर्फ दो ही प्लेयर है, ये कुछ गड़बड़ की बात है। इसमें एक टाइटन गेमर है और एक पल है, पल थोड़ा शरारती छोकरा है और टाइटन भी थोड़ा बहुत ज़्यादा ही है कुछ। तो क्या लगता है आपको किसने लिया होगा फिशिंग रोड, चलिए हम जाके उसकी चेस्ट देख लेते हैं, किसी ने हमारा फिशिंग रोड तो नहीं लिया। रोड पहले तो मैं इसकी चेस्ट देखता हूँ, मैं कुछ भी लूँगा नहीं, इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। मेरा फिशिंग रोड गया कहाँ पे यार, अभी देख नीचे देख के आते हैं पल के चेस्ट रूम में। पल का घर यहाँ पे ज़मीन में ही है, ये देखो मैं दिखा देता हूँ उसका कहाँ पे है घर, ये देखो पल का, ये मत कर, ये देखो गाइज हमारा पल का रूम, पीरो गेमिंग उसका नाम है, ये पीरो गेमिंग। मैं घर के साथ एक सेल्फी लेता हूँ, ये देखो अब हुई ना बात, ये देखो पूरा घर, देखो इसका क्या ही घर लग रहा है, खतरनाक वाला। ए अंदर जा अंदर जा, ये हाँ ये देखो गाइस क्या ही घर बना के रखा है यार, एकदम पीरो वाला। ये देखो इसकी तीन तीन चेस्ट, वो भी नीचे वाले वो मैंने डाले हैं, लेकिन फिर भी यार देखो दो दो क्राफ्ट टेबल भाई, दो क्राफ्टिंग टेबल, समझ रहे हो मतलब है, दो क्राफ्टिंग टेबल से क्राफ्ट करता है भाई। और चेस्ट फर्नेंस वगैरह एक ही है, और ये इसका छोटा सा और बेड देखो एकदम बीच में रखा है उसने, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्या दिखाना है इसकी चेस्ट में क्या क्या है, बस यही मैं दिखाऊंगा, कुछ लूंगा नहीं, ठीक है। और गाइस इसकी चेस्ट में हम देख लेते हैं, इसकी चेस्ट में बस ये कोबल स्टोन है जो कि एक दो स्टैक तो मैंने दिए थे, फिर ये चेस्ट खाली है। और इसके पास 10 डायमंड है, 23 आयरन है, 12 ये सब रेड स्टोन वगैरह है, कोल फ्लिंट है, एक आयरन की पिकेक्स है, और इसमें ये सीड वगैरह और आयरन की पिकेक्स इसमें भी है, वाह भाई वाह। और उसके पास भी एक आयरन का पूरा सेट है, टाइटन के पास भी। अभी गाइस मेन चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, एक हमारा मॉब स्पॉनर और 12th कोर वाले जाने वाली एक माइन है हमारी जो कि 12th कोर तक जाती है, और वहीं से हमें बहुत सारे डायमंड मिले थे माइनिंग करते करते। तो चलिए गाइस मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो वो रही गाइस हमारी माइन, यहाँ पे थोड़े ही आगे जाके मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, थोड़ा आगे जाके ये रही गाइस ये माइन जो है हमारी 12th कोर पे जाती है। और हमारे हम जब एक एक्सप्लोरिंग कर रहे थे तो हमें मॉब स्पैनर भी मिला था, तो उसमें चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। तो गाइस यहाँ से नीचे जाते ही हमें पहले देखो यहाँ पे दो रास्ते डिवाइड होते हैं, या तो आपको इधर से जाना है या तो फिर आपको स्ट्रेट नीचे जाना है। अगर स्ट्रेट आप नीचे जाओगे तो ये 12th कोर तक आपको ले जाएगी, 11th कोर तक, और इधर से जाओगे तो इधर एक माइन होती है जो सिंपल वाली होती है, वहाँ पे आपको ले जाएगी। तो चलिए मैं आपको वो मॉब स्पैनर दिखा देता हूँ वो कहाँ पे है। ये देखिए गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मकड़ी का मॉब स्पैनर जो कि हमने ब्लॉक कर दिया था, मतलब टॉर्च लगा के, क्योंकि इधर से बहुत आने जाने जाना था मैं, तो इसीलिए हमने ये ब्लॉक कर दिया। अभी गाइस मैंने जो जोम्बी स्पैनर का था वो मैंने थोड़ा बहुत ठीक कर दिया, तो उधर से हम अभी एक्सपी ले सकते हैं, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हमें इधर से जाना पड़ेगा और मैं आपको दिखा देता हूँ। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जाके सब्सक्राइब कर दो, और अगर लाइक के बटन को नहीं दबाया तो अभी तक क्या कर रहे हो यार, दबा दो, क्या जाता है आपका। ये देखो मैंने इतना मस्त आर्मर पहना चमचमा था, इसको देख के यार आपको लाइक करने का मन नहीं करता क्या, तो लाइक करो यार और सब्सक्राइब तो कर ही दो, मतलब आप हमारी सारे वीडियोस देख पाओगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर दो, और अगर आपको वीडियो और भी ज़्यादा एकदम मज़ा ही आ जाता है तो शेयर करो अपने दोस्त के साथ, और उनको भी मज़ा आएगा तो उनको भी दिखाओ हमारी वीडियो। तो चलिए मैं आपको मॉब स्पैनर जल्दी से हम दिखा देता हूँ। अपने मॉब स्पैनर के पास और आपको आवाज़ आई रही होगी, तो फिर मुझे याद आया कि मैंने अपना फिशिंग रोड इधर ही डाल दिया था, क्योंकि मुझे रिस्क नहीं लेना था ये मॉब स्पैनर बनाते हुए कहीं मेरा फिशिंग रोड टूट ना जाए, तो इसीलिए मैंने उसमें रख दिया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बहुत अंधेरा, इसमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ मॉब स्पैनर दिखाई दे रहा है। तो इसमें से बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ स्पैन होते हैं, और इधर नीचे जाते ही
ये देख सकते गाइस, ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ये देखो, हेलो हेलो कैसे हो। ये देखो गाइस, ये सारे स्पेन ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मैंने आर्मर पहना, और आर्मर से अच्छी बात मैंने इसको ब्लॉक कर दिया है, तो ये कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो इसको मैं अभी से अभी मार देता हूँ और हमारी एक्सपी पूरी ले लेता हूँ। गाइस अभी सिस्टम कैसी है ना, इसको अगर हम मारेंगे तो फिर मैंने नीचे ऑफर भी रखा है, तो उसकी वजह से जो है हमें नीचे सामान भी मिलता रहेगा। ये देखिए गाइस, एक मिनट मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पे, ओ भाई साहब ये देखो, अनब्रेकिंग वन, फिर ये फायर प्रोटेक्शन वन, ये सारे हेलमेट ड्रॉप करते रहेंगे। और मैंने अपना गेम मोड भी शायद हार्ड या मीडियम रखा है, पता नहीं मुझे, तो इसकी वजह से हमें थोड़े बहुत ये स्टफ भी मिलता रहे। और ये देखो, एक ही तलवार मारूंगा ना, लेकिन ये सब पानी में, तो इसीलिए इसको फायर एक्सपेक्ट नहीं लगेगा। ये फिर से शोवल लेके आया, नहीं इस बार ये एक्स लेके, हाँ शोवल ही लेके आया। ये शैडल वगैरह मुझे सब कुछ मिला था। ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये देख सकते हैं गाइस मेरे हाथ में फिशिंग रॉड, जिसमें एक लगा है बेंडिंग वन एंड अनब्रेकिंग वन, जो कि टूटेगा ही नहीं कभी, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन टूट भी सकता है, कोई बात नहीं। तो अभी इस चेस्ट में हमारा क्या है, ये चार स्लाइम बोले, और गाइस हमारा मैप भी इधर ही रखा है, लेदर, लेदर का ये शॉवल मैं रख देता हूँ। हाँ ठीक है, तो ये मेरा ही सामान था, मैंने इधर रखा था। अभी हम जल्दी से चल लेते हैं अपने घर में, और फिर अब मैं आपको थोड़ा बहुत और दिखाता हूँ मेरा घर। ये गाइस आप देख सकते हैं, ये एक मकड़ी का स्पैनर है, जो कि हम बाद में रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इधर से ये हमें रास्ते में जाना पड़ेगा। तो ये मॉब स्पैनर को हमें अभी तक छेड़ा नहीं है, क्योंकि अभी तो एक ज़ॉम्बी का काफ़ी है, इसको हम बाद में ठीक से सोचेंगे क्या करना है इसका। बाकी अभी एक्सपी चाहिए थी, तो मैंने वो फास्ट फास्ट जल्दी मैंने वो बना दिया है। और इधर कहीं से मुझे स्लाइम की, हाँ ये रहा देखो स्लाइम ब्लॉक, इसको मार कर स्लाइम ले लेते हैं और एक्सपी भी। तो गाइज अभी हम जल्दी से चल लेते घर में, और मैंने एक नया घर भी बनाया जो कि काफ़ी बढ़िया है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये गाइज देख सकते हैं, ये सुपर अल्ट्रा सोनिक वाली, ये देखो सीढ़िया, ये देखो इतनी ये चढ़ सकते हैं ना, ये देखो कितने जल्दी चढ़ सकते हैं हम इसमें से। अभी ये रात हो रही है, तो मैं जल्दी से जाके सो जाता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे घर के पीछे की साइड ये दो घर है, वो किसके आप सोच रहे होंगे, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम सो लेते हैं, और वो दोनों घर भी मैं आपको बाद में दिखा देता हूँ। ओके गाइस, तो मॉर्निंग यहाँ पे हो चुकी है, और मैं आपको दिखा देता हूँ ये पीछे वाला घर किसके है। उससे पहले मैं खाना खा लेता हूँ, ठीक है। ये देखो गाइस, तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ ये पीछे वाले, अरे यार ये बकरी की तरह, ये तू भी मेरे साथ वीडियो चल बना, मेरी तरफ नहीं कैमरा की तरफ देख, छोड़िए छोड़िए ये नहीं देखने वाली। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे पीछे की साइड एक वुडन का घर बना हुआ है, आप सोच रहे होंगे ये किसने बनाया और ये किसका है, तो वो भी मैं दिखा देता हूँ। और पीछे की तरफ आपको कैसल जैसा कुछ दिखने के लिए मिल जाएगी, वो भी एक टाइप का घर है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बाकी ये देख सकते हैं आप, हमारा विलेज बहुत ही प्यारा सा है, और अभी मैं चल के दोनों पीछे वाले घर आपको दिखा देता हूँ। ओके गाइस, तो सबसे पहले बारी आती है हमारे ये वाले घर की। तो ये वाला घर है टाइटन गेमर का, जो कि अभी उसने बनाया था, तो अभी उसने ऐसा घर बनाया है, ठीक से बनाया नहीं है, फिर भी अच्छा लग रहा है। ये देखो कैसल जैसी फीलिंग आ रही है इसमें से। अभी उसने इतना सामान यहाँ पे शिफ्ट नहीं करा है, क्योंकि वो बाहर ही रहता है। एक मिनट, बेचारे को यहाँ पे अंधेरा पड़ रहा होगा, तो मैं इधर लाइट लगा देता हूँ, इधर भी लगा देता हूँ, हमारा कुछ नहीं जाता, हम अभी अमीर बन चुके। तो ये घर देख सकते हैं आप, ये है टाइटन गेमर का, और ये बहुत ही अच्छा घर है, लेकिन मैं ऑफलाइन में दिखा रहा हूँ, ऑनलाइन में वॉइस चैट हम करते हैं तो वो रिकॉर्ड नहीं हो पाती है।
तो अभी मैं दिखाता हूँ ये वाला घर, आप देख सकते हैं नीचे वाला, ये बाहर से भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी सामने की तरफ मैं चलता हूँ और दिखाता हूँ ये वाला घर, ये बाहर से देखने में काफ़ी एकदम नॉर्मल लगता है, लेकिन अंदर जाके देखोगे तो इसमें बहुत ही मैंने मेहनत की है। ठीक है, तो यहाँ से पहले हम देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छा एंट्रेंस है इधर से आने का, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों साइड ऐसा है, और इधर से हम जाएंगे तो हमारा ये दरवाज़ा आ चुका है, और यहाँ से आप देख सकते हैं ये हमारा छोटा सा ऐसा एंट्रेंस है, फिर यहाँ पे आता है ऐसा हॉल, और यहाँ पे अभी ग्लास वगैरह लगाना बाकी है। यहाँ से आप देख सकते हैं बाहर का व्यू, और यहाँ से भी आप देख सकते हैं बाहर का व्यू जो कि काफ़ी अच्छा मिल रहा है यहाँ पर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने बहुत सारे स्मूथ स्टोन, फिर पॉलिश्ड ये एंडेसाइट बोलते हैं उसको, वो लगाए, फिर अंदर की तरफ ये सारे लॉग हमने लगाए, बहुत ही मेहनत लगी है, फिर ये ब्रिक का पूरा लगाया, यहाँ पे ये सब हमने कलेक्ट करने में बहुत ही देर लग गई थी, तो ये बहुत ही मेहनत की है मैंने। फिर यहाँ पर ये देख सकते हैं दरवाजे का डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है, यहाँ से कौन दरवाज़ा तोड़ के गया है ये देख सकते हैं, फिर मैंने यहाँ पे खुला रखा है, और यहाँ पे इधर से मैं कुछ पूल वगैरह या तो फिर मैं फार्मिंग वगैरह कुछ लगाऊंगा इधर इधर की साइड, अभी मैंने सोचा नहीं है मैं क्या करूँगा, फिर कर दूँगा मैं उधर। और ये देख सकते हैं हमारा ये रूम है बहुत ही अच्छा वाला, ये हमने एंडेसाइट और ये क्या बोलते हैं इसको रेड वाला होता है वो जो भी ब्लॉक है उसका हमने पॉलिश करके यहाँ पर लगाया है, और यहाँ की साइड ये देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छी डिज़ाइन लगती है, मुझे तो बहुत पसंद आती है। यहाँ से भी आप बाहर का व्यू देख सकते हो, और ये देख सकते हैं आप हम यहाँ पे अभी ग्लास लगाना बाकी है, बाकी पीछे के साइड हमारा डेजर्ट आ चुका है और जंगल भी है, तो वुड और वगैरह की कोई कमी नहीं पड़ती है, तो इसको मैं बंद अभी कर देता हूँ और अभी आगे चलता हूँ ये वाले रूम के। ये वाला रूम भी सेम है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ यहाँ इस तरफ एक और खिड़की लगा दो ताकि ऐसे मज़ा आए, कांच लगाओ तो ऐसे अच्छा लगता है घर। अभी बेड वगैरह और इंटीरियर वगैरह हमें डिज़ाइन करना बाकी है, इतना स्टफ़ हमारे पास है तो सही, लेकिन अभी थोड़ा मुझे बोरिंग लगता है तो मैं कर देता हूँ। बाकी ये था हमारा घर, और टाइटन गेमर का भी वो घर था, तो ये देख सकते हैं वैसे आगे की तरफ से बहुत ही अच्छा लग रहा है, साइड में से भी ग्लास वगैरह नहीं लगे इसलिए इतना अच्छा नहीं। ये देख सकते ये हमारा पुराना वाला घर जो कि थोड़ा गरीबों जैसा है, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है। और अभी मैं दिखा देता हूँ यहाँ से एक गोलेम के यहाँ पे खड़ा है, बाकी ये देख सकते हैं आप इसमें बहुत ही डिज़ाइन मुझे अच्छी लगती है, ये क्या बोलते हैं एनचेंटिंग रूम की, अगर आप दूर से देखोगे तो ये बहुत ही अच्छी डिज़ाइन लगती है ऐसे। और अभी इस साइड से भी मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देख सकते हैं इस साइड से भी बहुत अच्छी डिज़ाइन लग रही है, कोई बात नहीं, यहाँ पे मुझे फार्मिंग में बहुत अच्छी लगती है। तो ये देख सकते हैं गाइस हमारा प्यारा सा विलेज, और यहाँ पे ये बहुत ही पूल अच्छा है, और ये विलेज भी बहुत ही अच्छे, लेकिन यार विलेज बहुत ही भाग जाते हैं यार। ये देख गोले मेरे पास है, देख डायमंड का स्वॉर्ड वर्ड सब है, देख ये देख कभी देखा भी है, ये देख इधर देख, हाँ ये देख देखा भी है कभी, ये देख मैं तेरे को धक्का भी मारता हूँ क्या, तू कुछ नहीं कर पाएगा, हाँ ये देखो डर गया ना। अभी मिलते हैं अगली वीडियो में, अरे सब्सक्राइब कर देना है अगर विलेज पसंद आए तो, ये घर पसंद आए कैसा, और कमेंट में यार कमेंट करते रहो यार, जो भी आपको पसंद आए, क्या आपका आइडिया है ये घर के बारे में, क्या आपको बनाना चाहिए, क्या आपको पसंद लगता है ये विलेज के, क्या आपको पसंद आया, जो भी पसंद आया तो वो कमेंट में करो। और बस गाइज अभी मैं थक चुका हूँ, तो बस माइनिंग करते करते हमने पूरा आर्मर बना लिया, तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।